ये काकीनाडा जो रुचि का फैक्ट्री है, जिसके लिए मैंने बोला कि अभी तक रुचि एक फैक्ट्री थी, अब वो एक पूजा स्थल, एक देवालय बन गया है। क्योंकि पतंजलि जो कुछ भी प्राप्त करता है प्रॉफिट के रूप में, वो चैरिटी के लिए है। तो ये रुचि का जो मंदिर है, जो आपके देह रूपी मंदिर के लिए अलग अलग प्रकार के तेल बनाते हैं, और उसमें नेचुरल ऑयल के अलावा रिफाइंड ऑयल होते हैं, चाहे वो पाम ऑयल है, चाहे वो सनफ्लावर है, चाहे वो सोयाबीन है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। उन इम्प्योरिटीज़ को उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वैक्सीन आदि होते हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको हटाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोसेस अपनाए जाते हैं। और यद्यपि ये दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना 2002 का बना हुआ यूनिट है, तो भी इसको अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करते हैं। तो जा कर के ये इतना बड़ा प्लांट, जो जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये पूरा प्लांट का आउटर व्यू है। और यहाँ पर लैब है हर जगह पर, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप सोचिए कि लगभग 18 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं। ऐसे रुचि सोया की देश में 22 यूनिट्स हैं, जिससे कि एडिबल ऑयल फील्ड में देश का सबसे बड़ा ब्रांड यदि है, साउथ में रुचि गोल्ड है, फिर अलग अलग जगह कहीं रुचि गोल्ड है, कहीं पर फिर सनफ्लावर का हमारा यहाँ पर जो ब्रांड है, सनरिच है, महाकोश है, और न्यूट्रीला है, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के साथ में ये देश का एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा ब्रांड है रुचि। पाम ऑयल में तो नंबर 1 है पूरे।